जी नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। 22 जुलाई 2018 से शुरू होने वाला सप्ताह हम सबके लिए क्या कहता है, आइए जानते हैं ये साप्ताहिक राशिफल है तो आने वाले एक सप्ताह के लिए क्या मार्गदर्शन है, इसे समझ लेते हैं। मैं हूं दीपक कपूर। मेष राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह कुछ ऐसा है जो अपनों की बहुत सारी चिंता आपके मन में बिठाए रखे, अपनों के प्रति सद्भावना भी जग रही है और सेवा भाव भी जग रहा है, पर मन में बिठाई हुई चिंताओं ने आपको व्यर्थ में दुखी भी कर रखा है। वृषभ राशि वालों के लिए आने वाले सप्ताह में जिंदगी की बहुत सारी रुकावटें ऐसी हैं जिनका संबंध या तो सेहत से या विचारों के मतभेद से हो सकता है, इसलिए जहाँ तक संभव हो सके आपको लोगों की बात को समझने की कोशिश करनी होगी। जिंदगी की चुनौतियों से जूझने के लिए अपने अंदर भी बहुत सारे बदलाव लाने पड़ते हैं और ये सबसे बड़ी सच्चाई। मिथुन राशि वालों के लिए आने वाले सप्ताह में किसी प्यार के रिश्ते को लेकर मन में बहुत सारा उतार चढ़ाव चल रहा है। आप अपनी ओर से सब कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं जो परफेक्ट हो, पर पैसे से जुड़ी चिंताएं बनी रह सकती हैं। कर्क राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह कुछ ऐसा है कि किसी प्यार के रिश्ते को लेकर आपके मन में बहुत सारा तकरार बना रह सकता है। ऐसे में पारिवारिक रिश्ते भी ऐसे हैं जहाँ बहस छिड़ जाने का अंदेशा है, इसलिए भी आपको अपने अंदर बहुत सारी शांति बनाए रखनी होगी। सिंह राशि वाले आने वाले सप्ताह में अपनी जिंदगी को सही दिशा प्रदान करना चाह रहे हैं, पर उससे भी आपको कई तरह की रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है। घर परिवार से जुड़ी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपकी तवज्जो मांगती हैं, इस ओर आपको ध्यान तो देना ही पड़ेगा। कन्या राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह मददगार है। पैसे की स्थिति ठीक होने के बावजूद मैं फिर भी कहूँगा ठीक नहीं है। लोगों से आपको हर तरह की मदद मिल रही है, ये अच्छी बात है, पर आपको लग रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है। आपके बढ़ते हुए खर्चे आपको लगातार किसी न किसी दबाव में डाले रहे, ऐसा भी हो सकता है। तुला राशि वालों के लिए आने वाले सप्ताह में अपने मन में बिठाया हुआ असंतोष आपसे गलती करवा सकता है, इसलिए अपनी कोशिशों को और ज़्यादा जगाने की ज़रूरत है। हर चीज़ को पैसे की नज़र से देखने से बचना होगा। वृश्चिक राशि वाले स्वेच्छा से अपनों के लिए बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, ऐसा करते हुए आपका खर्चा बढ़ा रहे ये बहुत स्वाभाविक सी बात है, पर जो भी चीज़ आपको खुशी दे उसे कर लेना चाहिए। धनु राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा है और हालात हर तरह से संभले हुए हैं, पर आपके मन का उतावलापन ऐसा है जो आपको परेशान किए हुए हैं। मकर राशि वालों के लिए आने वाले सप्ताह में कामकाज को लेकर बहुत सारे दबाव झेलने पड़ सकते हैं, कई तरह के बदलाव के विचार भी हैं आपके मन में जिन्हें फिलहाल थामे रखने की भी जरूरत है। कुंभ राशि वालों के लिए आने वाले सप्ताह में आर्थिक स्थिति ठीक है और हालात मददगार, यहाँ तक कि आप लोगों के लिए भी बहुत कुछ कर पा रहे हैं जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मीन राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह कुछ ऐसा है जिसमें तनाव बढ़ा रह सकता है, कामकाज से जुड़ी परेशानियां ऐसी हैं जिन्हें संभालने के लिए जूझना भी पड़ सकता है। ये था जी आप सबके लिए आने वाले एक सप्ताह का राशिफल। नमस्कार।